खबर बस्ती से है। अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सिद्धार्थ शंकर मिश्र ने अपने शिव मंदिर पर लाइव दिखाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने के लिए शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। 500 वर्ष बाद फिर से अयोध्या में विराजमान हुए रामलला, राम भक्तों की लगी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने जमकर लगाए श्री राम के जयकारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने आए श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में दीपक जलाने की अपील की गई है। पूरी बस्ती राममय में डूबी और चारों ओर राम नाम का जयकारे से बस्ती गूंज उठी है। प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने आए श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में भंडारे का भव्य आयोजन भी किया गया। सैकड़ों की भीड़ ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखा। सिद्धार्थ शंकर मिश्र ने निराश्रित और गरीबों में कंबल बांटे। देखिये, ये बहुत बड़ा उत्सव है और आज बहुत प्रसन्नता है। हम सभी बहुत प्रसन्न है कि प्रभु अपने नवीन भवन में पहुंच गए इतने संघर्षों के बाद। इसलिए पूरे देश में ये माहौल है जो आज आप यहां देख रहे हैं कैली मंदिर पर, वैसा ही माहौल पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। और भगवान का स्वागत सारे लोग कर रहे हैं इसमें, जालिए जय जय सियाराम, सब लोग पूरा देश राममय है। ये भी देखा जा रहा बस्ती जिले में काफी धूमधाम से लोग आज ये भी कह रहे हैं कि दिवाली मनाएंगे, और आपने भी यहाँ पे लोगों से आश्वासन किया, क्या है इसमें कुछ कहना है? देखिए, आज शाम को पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, प्रभु के आगमन पर मनाई जा रही है। जैसे 14 वर्ष बाद हम लोग दिवाली मनाते हैं जब प्रभु आए थे, उसी तरीके से ये तो 500 वर्षों की यात्रा है, इसलिए यहाँ पे महादिवाली मनाई जा रही है। इसमें कोई ये भी देखा गया कि गांव की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और आपने लाइव कार्यक्रम स्क्रीन के माध्यम से दिखाया लोगों को, क्या इससे जो है मैसेज दिए आप? देखिये, एक माई के पास गया था तो माई ने कहा कि भैया दिखाइबो भगवान का, तो हमने तब आई, हमने कहा माई जरूर दिखाएंगे, तो हमने कहा लाइव लगा दो। और यहाँ पे कम से कम आप करके हजारों लोगों ने लाइव प्रसारण देखा प्रभु का चरित्र, जो वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे पूजनीय सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी द्वारा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी द्वारा, ये जो कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा था सभी लोगों ने देखा और पूरा राम, सबके हृदय में राम बसे। और क्या कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है? यहाँ पर हमने लाइव प्रसारण किया और यहाँ पर जो अपने सभी लोग आए थे उनको प्रसाद की व्यवस्था किया, और यहाँ पर कंबल वितरण है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कंबल वितरण किया, यही हमारी सेवा है। अभी आपके बगल में एक व्यक्ति भी खड़े हैं जिसका योगदान रहा उस संघर्ष में जो मंदिर बना है, जेल भी काटे हैं उस मामले में, क्या कुछ कहेंगे? भैया साहब, अभी कल मेरी बात हुई और मैंने इनको खोज करके लाया। आप आरटीओ ऑफिस में एक साधारण काम करते हैं, हमारे भाई हैं श्री पुष्पेंद्र पाल जी हैं, जो यही बस्ती के निकट हलुआ पार के रहने वाले हैं, और इन्होंने कार सेवा की थी और प्रभु की सेवा में ये दंड भी इनको मिला था उस समय। तो मैं 12 दिन या 14 दिन आप जेल में भी रहे और आपकी सेवा, इसलिए हमने आपको यहाँ पे खोज के लाया जी। एकदम आपको स्मृति चिन्ह देगा और आपका सम्मान क्या, आपको तो चरण रज ही हमको मिल जाए वो बहुत बड़ा, इसलिए मैं आपको प्रणाम भी कर रहा हूँ। और क्या कुछ मैसेज देंगे और क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से यही कह रहा हूँ कि ये जो राम मंदिर है ये राष्ट्र मंदिर है, और प्रभु को अपने हृदय में बसा लीजिए और राम के आदर्श पर ही अपना जीवन को आगे बढ़ाइए। कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती, प्रभु के नाम में इतनी ताकत है। तो राम राम करते रहिए और अपना काम करते रहिए और इस देश की विकास यात्रा में अपना योगदान दीजिए। अपने समय को समझिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रभु के सेवा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।